हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीडी क्लास में। बेल्ट्रॉन का फ्रेंड्स जो डीओ का भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और उसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, तो उसका जो है एग्ज़ाम वगैरह के सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी सूचना जारी किया गया है विभाग की तरफ से। आज का अपडेट है 22/6/19 का कि बैंक चलान अपडेट कर लेकर के सभी को आ रहा है मैसेज। क्या आपको आया कि नहीं आया? सभी को ये मैसेज नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें ये मैसेज नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें और क्या सभी को जो है सुधार करना ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो अपलोड किया था शाम में ही कि जो महत्वपूर्ण सूचना आई है विभाग की तरफ से कि आप उसमें बैंक चलान में अपडेट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में मुझे बहुत सारे कमेंट आए, तो मैं वही कमेंट पर लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग का सारा डाउट जो है क्लियर हो सके बेल्ट्रॉन जो है न्यू डीओ भर्ती के रिगार्डिंग में। तो उसका पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं अपडेट ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हम अच्छा लगता है आपको तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल अपडेट। ये तो मैंने कल वीडियो में दिखाया था, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और बात करने वाला हूँ। यहाँ पर जो दिया गया है कि 21/6 से 30/6 तक आप जो है बैंक चलान का जो ट्रांजेक्शन नंबर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, और जो आप लोगों ने कमेंट किया वो क्वेश्चन किया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो सबका जवाब देना संभव नहीं था, इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए ताकि सभी लोग तक एक बार में ये वीडियो के साथ जानकारी पहुंच सके। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें ये मैसेज नहीं आया है, तो क्या हम ये चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले बात, मैसेज आए या ना आए इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैसेज भेजा गया है विभाग की तरफ से सभी को कि वो जानकारी दे सके कि मैंने लिंक एक्टिवेट कर दिया है। अगर कोई गलती हो आपको तो आप सुधार सकते हैं। अगर मैसेज नहीं आया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर लगता है कि मेरी गलती हुई है बैंक ट्रांजेक्शन नंबर में तो आप चलान में जाकर एडिट कर सकते हैं। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट बेल्ट्रॉन का, वहाँ पर आप जाके क्लिक करके जो लिंक है उस पर कर सकते हैं, और वो लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात, एक क्वेश्चन किया था कि सर क्या सभी को सुधार करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती भरा है ट्रांजेक्शन नंबर बैंक चलान में, तभी आप कीजिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप क्यों कीजिएगा? ये उसी के लिए है जो गलती की है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सभी के लिए नहीं है। जो गलती किए हैं, जिनको डाउट है कि मैंने गलती किया है, तो यहाँ पर विभाग ने उसके लिए दोबारा मौका दिया है कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं। 30 जून के बाद आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा सुधार करने के, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि मैसेज अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी जाकर चेक करके अपना एडिट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या सभी को सुधार करना जरूरी है, तो इसका भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सभी को जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर ठीक है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर मेरा जो है बैंक चलान खो गया है तो हम क्या करें? तो बैंक चलान खो गया है तो उसको आपको सही से रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लगता है गलत है तो बिना बैंक चलान का आप फिर कैसे मिलाइएगा कि मेरा जो है बैंक चलान सही है कि नहीं है? इसी वजह से फ्रेंड्स, उसको सही से रखिए, खोजिए, ठीक है, क्योंकि बैंक चलान खो गया तो इसका कोई उपाय नहीं है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगेगी, और इसके रिगार्डिंग में अगर आपको कोई भी जहन में सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।